अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं अचारी मटन कोफ्ता। तो यहाँ हमने आधा किलो मटन लिया, मटन को अच्छी तरह धोया और इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले। तो पहले डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून रोस्टेड चने का पाउडर। चने का पाउडर ना हो तो बेसन ले सकते हैं आप, बेसन को थोड़ा सा भून लें। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अचारी कोफ्ता बना रहे हैं तो 1 टीस्पून अचारी मसाला भी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 से 2 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 नींबू का रस, अगर आपके पास में बड़ा साइज का नींबू हो तो आधा ले लें। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज अच्छी तरह हमने मिक्स कर ली है। अब हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी हम मीडियम साइज के कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह का कोफ्ता हम बनाते जाएंगे और इसे एक फ्राई पैन में रखते जाएंगे। ये कोफ्ते हमने बना लिए हैं, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता फ्राई करने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे। गैस को रखेंगे यहाँ बिल्कुल मंदा और इसे 4 से 5 मिनट ढककर पका लेंगे। 5 से 7 मिनट ढककर पकाने के बाद में अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और गैस को करेंगे यहाँ फुल पर और फुल फ्लेम पर रखकर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्तों को हम इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद में गैस को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही अब इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए 1 चम्मच से 2 चम्मच तेल को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये साबुत मसाले, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और प्याज अदरक लहसुन को थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। 5 से 7 मिनट प्याज अदरक लहसुन को भूनने के बाद में गैस को हम करेंगे मंदा और इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मसाले में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। 10 से 12 मिनट मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए और इसे पीस लिया है। आप टमाटरों को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालेंगे अचारी मसाला, ये होममेड अचारी मसाला है। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इसे थोड़ी थोड़ी देर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाला अच्छी तरह भून गया है, हमने जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से भून गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा सा दानेदार देखने लगा है। मसाला जब इस तरह दानेदार देखने लगे और मसाला तेल छोड़ दे तो समझिए कि मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 कप के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे ये फ्राई किए हुए कोफ्ते, 4 से 5 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। गैस को अभी हमने यहाँ बिल्कुल मंदा ही रखा है और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस को यहाँ बिल्कुल मंदा ही रहने देंगे और मध्यम फ्लेम पर रखकर 4 से 5 मिनट इसे ढक कर पका लेंगे। चलिए तो 4 से 5 मिनट ढक कर पकाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो 4 से 5 मिनट हमने इसलिए पकाया है ढक कर के मसाले कोफ्ते में अच्छी तरह रस बस जाए। तो ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ग्रेवी रख लें। तो हम अचारी कोफ्ता बना रहे हैं तो ग्रेवी हम यहाँ थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे। तो ये 1 कप पानी डाल देते हैं। मिक्स करने के बाद में अगर आपको लगे कि ग्रेवी गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें। तो ये देखिए ये ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अगर आपको गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें। गैस को रखेंगे हम बिल्कुल मंदा और इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 8 से 10 मिनट ढककर पकाने के बाद में अचारी कोफ्ता बनकर तैयार है। गैस को करेंगे हम बंद और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स और कर लेंगे डिश आउट।
तो ये लीजिए अचारी कोफ्ता बनकर तैयार है। आप इसे रोटी नान के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे का और चटपटा बना है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।